तो हम यहाँ पे आपके पाँव की शेप ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। ये है आपका राइट, ये है आपका लेफ्ट। शेप क्लियर आ रही है, समझ आ रही है। हाँ जी सर। बट ये देखो, एजेस देख लो बाहर की तरफ बने हुए हैं, ये एजेस देख लो रफ बाहर की तरफ बने हुए हैं। और इस शेप में ये राइट में और लेफ्ट में अंतर है? जस्ट थोड़ा सा। हाँ, वो थोड़ा सा काफी होता है शरीर में, हाँ जी है सर। ना। ये देख ज्यादा ब्राइट है, इधर ये ग्रे एरियाज हैं, ये इतना ब्राइट नहीं है। तो लेफ्ट में अपने वेट इस तरफ कम आता है ना, कंपेयर टू द राइट डोमिनेंस ये है। ये भी समझ आ रहा है कि लेफ्ट का जो मिड फुट कॉन्टैक्ट है वो उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए, और तेरे जो आर्चेस हैं वो धीरे धीरे कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। नॉर्मल आर्चेस ये होते हैं, अपना इतना हो गया है। लेकिन ये देखिए इसके बॉर्डर्स कितने स्मूथ हैं, इसके बॉर्डर स्मूथ नहीं है ना, ये फैल रहे हैं। अल्टीमेटली अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, वापिस से। ऐसे हो जाएंगे वापस, नहीं ये फ्लैट हो जाएगा। अभी तो स्टेज पे है, तो अभी हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, कितना बेटर कर सकते हैं ये देखते हैं। सामने की तरफ घूम जाएंगे, ऐसे सामने की तरफ पूरा पूरा टर्न कर लो। अब पैरेलल रखेंगे पाँव, और एक चीज यहाँ पे साफ साफ समझ आ रही है, अगर मैं पाँव को ऑब्जर्व करूँ, ये तेरा राइट है, ये तेरा लेफ्ट है। राइट और लेफ्ट में अगर कंपैरिजन देखो तो दोनों ही अंगूठे अंदर की तरफ जा चुके हैं, हाँ जी सर। ये भी आर्चेस फॉल कर रहे हैं उसकी वजह से है। मैं अपनी नज़र में अगर देखूँ तो ये लेफ्ट की तरफ ज़्यादा वेट आ रहा है कंपेयर टू द राइट, और दोनों ही पंजे पूरी की तरह चौड़े हो चुके हैं, है ना। खड़े रहना, अब घुटने मोड़ने हैं 45 डिग्री, ये सीधे हो जाएंगे, पांव की उंगलियां ऊपर उठाएंगे। आ जाओ वापस टर्न कर लेंगे, अब इसमें हमने 3 फोटो लिए हैं। आप जब पीछे खड़े हुए थे तो पहली फोटो में आप नॉर्मल खड़े हुए थे, ठीक है। दूसरी फोटो में आपने नी बेंड किया था, तीसरी फोटो में आपने उंगलियां ऊपर की थी, है हाँ जी ना। सर। तो पहली फोटो को हम खड़े रहने की फोटो बोलते हैं, दूसरी फोटो जिसमें आपने नी बेंड किया था हम चलने की दौड़ने की डायनेमिक फेस की फोटो बोलते हैं, तीसरी फोटो को हम करेक्टिव फोटो बोलते हैं कि अगर हम इंसोल देते हैं तो कितने एंगल्स हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं या रोक सकते हैं, है ना। अब जब हम इस फेज पे जब आ रहे हैं तो हम इस फेज में ये बात करना चाहते हैं कि एंगल्स इस तरह से होनी चाहिए हाँ जी सीधे, सर। हाँ जी सर। अगर कोई भी एंगल चेंज होगा अंदर बाहर तो आपकी मैकेनिक्स चेंज हो जाएगी। तो ये प्लम लाइन से देखो, ये राइट पाँव है, अभी ये राइट हो गया, एंगल कितना डिवीडेड है पहली फोटो में स्टार्टिंग में जब खड़े रहते हो तब, है ना। लेफ्ट में देखो कम है डिविएशन कंपेयर टू द राइट, है ना। राइट का एंगल ज़्यादा डिविडेड है, राइट मोटा भी थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू द लेफ्ट, है ना। तो जब इस तरह का एंगल मिलता है तो हम उसको ओवर प्रोनेशन बोलते हैं। ओवर प्रोनेशन ये है आपका बेसिक स्टैंडिंग पोस्चर, ये हम लेजर लाइट से भी चेक कर सकते हैं, वो भी हम इसके बाद चेक करके बता देंगे, ठीक है। अब ये देखते हैं कि चलते समय क्या होता है, ये दौड़ते समय क्या होता है। ठीक है सर। चलते समय आप थोड़ा सेल्फ करेक्ट हो गए, अगर ये देखो ये तो ज्यादा बाहर है ना, बट चलते समय ये हाँ जी सर। ठीक हुआ। थोड़ा सा जो मेरा टेक्निक भी है, अगर सब हाँ ऐसे पढ़ते हैं हाँ वो उस तरह प्रोनेशन, और घूमता है। प्रोनेशन का साइन होता है। मेरे पास फोटोज आपको दिखाऊंगा सर। हाँ, उस जो पाँव बाहर पड़ता है ना, तो जब भी प्रोनेटेड हमारे फीट होंगे ना बाहर पड़ रहे हैं, हाँ जी सर। है ना, वो इस तरह ऑटोमेटिक बाहर पड़ रहा है। ऐसे प्रोनेशन में ऐसे बाहर पड़ता है ना। तो डायनेमिक में आपका फेस बेटर हो जाता है ना। अब हम आर्चेस को एक बार और देख लेते हैं, आर्चेस कैसे दिख रहे हैं चलते समय। इसमें भी डोमिनेंसी राइट साइड पे ज़्यादा शेप वेट इधर आ रहा है कंपेयर टू द लेफ्ट, है ना, है ना। डिफरेंस साफ साफ आधा 1% का है, हाँ जी सर। चलते समय वो डिफरेंस कम हो जाता है ना। और एंगल समय साफ साफ नज़र आ रहे हैं, बट इसमें डिविएशन है पहले से कम हुआ है, बट अभी भी हमें ये नज़र आ रहा है कि ये एंगल टीए से ही
दिख रहा है कि कितना डेविएटेड है, है ना। अब इसको अगर हम इंसोल बनाते हैं आज के डेट में, ये सिर्फ मैं असेस करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर सिर्फ उंगलियां तुम्हारी ऊपर की तो कितना आर्च नॉर्मली बन सकता है। देखो आर्चेस भी देख रहे हो, डेविएशन भी देख रहे हो, इससे भी उतना ही वेट कम हुआ, इससे भी उतना ही वेट कम हुआ, क्योंकि इस पर वेट ज्यादा आता है, इस पर ज्यादा नजर आ रहा है डोमिनेंसी, राइट पे लेफ्ट पे कम, बट एंगल्स देख लो कंपेरेटिवली इससे बेटर हो गया, कितने बहुत बेटर हो गए, इससे बेटर हो गए। अब तुम्हारी वाली इंसोल से इतना फर्क आ रहा है, है ना, यहां से इतना करेक्ट ये कर रहा है, बट इसको अगर मैं